भगवान है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। जो हमको प्यार करते हैं, जो हमको सुनते हैं, जो हमको देखते हैं, सब लोग देखते हैं। हम केकर के कर नाम नाम सब कोई हमको सुने ला। तो मेरे लिए सब लोग भगवान है, मेरे नजर में कोई बड़ा और छोटा नहीं, मेरे लिए सब भगवान है। मैं सबको हमेशा, मैं लाइव रहूं लाइव न रहूं, घूमू बैठा रहूं, लेकिन हमेशा मन में यही रहता है कि मैं अपने ऑडियंस के पैर पैर पे हूं। आप लोगों का पैर मेरा सर, क्योंकि आप लोगों के ही आशीर्वाद से आदमी यहाँ बैठा है या कहीं भी बैठता है या बातचीत करता है। आप लोग मेरे लिए भगवान है। मेरे पास मतलब मैं जितना भी बोलूं आप सबके बारे में प्रशंसा के रूप में, मैं निशब्द रहता हूँ हमेशा। मुझे बड़बड़ाने ना आवे लगा कि हम ना चाहे कि हम बड़बड़ाई, हाई हो गई हो गई, नहीं। मैं कभी भी आप लोगों ने सुना है, मैं एक ही बात बोलता हूँ हमेशा कि मैं जो कुछ भी हूँ आप सबका आशीर्वाद, और कुछ नहीं हूँ। मुझे पता नहीं है कि क्या सुपर स्टार होता है, क्या पावर स्टार होता है, क्या पता नहीं कौन सा स्टार होता है। मैं जो कुछ भी हूँ आप सबका आशीर्वाद, बस काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, हमेशा चाहता हूँ कि भोजपुरी में कुछ नया हो। और घूमूं बैठा रहूं, लेकिन हमेशा मन में यही रहता है कि मैं अपने ऑडियंस, एक बार गाना लगाओ भाइयों के साथ, मैं गाना सुनूं। क्या हो गया? बिल्कुल, बहुत समाज आदमी देखा है, बहुत सारा काम किया है हमारे इंडस्ट्री में, बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, बहुत भाई लोग कमेंट कर रहे हैं। रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, दिनेश लाल यादव जी हैं, हमारे चाचा एक महानायक हैं कुणाल सिंह जी। इसके पहले ये सब सही नहीं, बहुत सारा हम लोग काम किए हैं, बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं। कभी आप लोगों ने किसी के मुंह से अपना बड़ाई करते हुए सुना है क्या? बड़ा सुपरस्टार कभी बोला है क्या कि मैं आई एम सुपरस्टार? वो कभी बोल ही नहीं सकता है। बड़ा खुद को कभी बड़ा नहीं बोल सकता। तो चलिए, मेहनत करना है, जिसका जैसा सोच, भगवान सबको आगे बढ़ाए, सबको मस्त रखें। मैसेज हमेशा छाए रही, मैसेज आ रहा है कि भाई कुछ मुद्दा को लेकर ऐसा ऐसा, तो मुद्दा क्या कुछ नहीं, आपसे अच्छा जवाब तो आपकी ऑडियंस दे रही है। हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है, हमसे अच्छा तो हमारे भाई सब बोल रहे हैं, तो हमको बोलने की क्या जरूरत है, हमारे भाई ये बोल रहे हैं सब। नहीं, इंडस्ट्री किसी एक से थोड़ी है, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं हमारी इंडस्ट्री में, सब लोग अच्छा अच्छा काम किया है, कर रहा है और आगे करेगा। अगर हम किसी से जूनियर हैं तो हमको सीखना है, हम उनके सामने बैठेंगे, सीखेंगे, हाँ भैया सिखाइए, हाँ भाई हमको बताइए, न कि मैं बोलूंगा कि आप लोग ही मेरे से छोटे हो, ये मेरे से नहीं हो सकता। मैं अपने सीनियर का हमेशा इज्जत करता हूँ और आजीवन करूंगा। जो मेरे से बड़े हैं वो बड़े हैं। और आपसे अच्छा कौन महेंद्र मिश्र भिखारी का कौन है? रही बात जस्टिफाई कर नाम, आप लोग आप सॉरी, मैं भी इंसान हूँ, गलती हमसे हो जाती है, एक गलती हमसे हुई है जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। एक गलती हुई है, वो कुछ इशारा मैंने हाथों का कर दिया है, उसके लिए माफी चाहता हूँ, ये गलती हमसे हो गया है, कोई चीज सॉरी। आदमी जब जब किसी को रिलेट करेगा बार बार, लेकिन किसी भी चीज की हद होती है, हर समय हर रोज पवन सिंह मुद्दा, हर समय हर घड़ी पवन सिंह मुद्दा। अरे यार मैं भी इंसान हूं, कितना चुप रहूं, कुछ भी हो पवन सिंह का नाम ले लो, कुछ भी हो पवन सिंह को मुद्दा बना लो, ये कोई तरीका होता है यार? मैं भी इंसान हूं, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। चलिए हमको ये सब